हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों इस स्टॉक ने हमें अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें, जब स्टॉक के प्राइस में ओनली 500 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोगों को वीडियो बना के डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस हमें 1600 रुपये के आसपास में देखने को मिला था, वहाँ से इंटायर सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिला, जिसके वजह से इस स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा खासा गिरावट शो किया। हालांकि इसका फिलहाल जो इसका प्राइस है 1100 प्लस में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ हाईपीएस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 1% के आसपास का गिरावट शो किया। हालांकि बात करें पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे 20% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग तरीके से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करेंगे पिछले 1 साल में, तो पिछले 1 साल में दोस्तों अभी भी हमें इस स्टॉक में 114% से एबव का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस है ग्राफ का दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी स्ट्रांग तरीके से हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है और स्टॉक पिछले साल हमें लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है, वहाँ से इस स्टॉक का जो प्राइस है काफ़ी शानदार तरीके से आगे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस 2000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अपने आप में जैकपॉट है दोस्तों। वही हम बात करेंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना परसेंट का हमें खरीदारी होते हुए देखने को मिला है, तो यहाँ पे देख सकते हो 51% से एबव का डिलीवरी का पोजिशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। वही हम बात करें इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 500 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल, वहां से इस स्टॉक ने 1600 रुपए के आसपास का हाई शो किया है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे रुपए देखने को मिल रहा है, जो कि हम बात करेंगे क्वार्टर का रिजल्ट का, तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी शो किया है। दोस्तों हम बात करें इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो 53% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक जैकपॉट है दोस्तों, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है, पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे ओनली 36 करोड़ के आसपास का फिगर है, जो कि कोई खास है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों इसका अगर बात करें फंडामेंटल का, तो हमें काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है अगले 2 से 3 साल में इसका प्राइस यहाँ से काफी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो अगर बात करें इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे 16000 प्लस का फिगर है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से है। वही हम बात करेंगे इसका सेक्टर के पीरिशो का दोस्तों, तो यहाँ पे 46.34 हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीरिशो से इस स्टॉक का पीरिशो हमें थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर बात करेंगे इसका रेवेन्यू का, तो यहाँ पर रेवेन्यू का ग्राफ भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप लोग सामने में देख सकते हो एवरी ईयर जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे रेवेन्यू का ग्राफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है और इस साल का सबसे हाइएस्ट हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों स्टॉक जैकपॉट है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पे सेल्स का फिगर की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के सेल्स में जबरदस्त इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग, डीआई की होल्डिंग भी काफी अच्छा खासा है।
उससे पहले हम बात करेंगे प्रमोटर का, तो 53% से एफएफ का होल्डिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे एफआई का होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 7% के आसपास का होल्डिंग है। जो कि हम बात करेंगे डीआई का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 2% के आसपास का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और फ्यूचर में भी इसमें बहुत अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 1070 रुपये के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 1500 के क्रॉस करके सीधे हमें 2000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।